ये क्यों आई थी? बानो की बात कर रहे हैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं? वो अपने दफ्तर का कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, रिबन खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए आई थी। खाम खान दूसरों के घरों में टोल लेने की आदत होती है ऐसी औरतों को, जब देखो गली में घूमती रहती है। उनके घर में कोई मर्द नहीं है इफ्तिखार साहब, सिर्फ माँ बेटी हैं तो जरूरत के तहत बानो ही को निकलना पड़ता है। कुछ औरतों को वैसे ही चार दीवारी काटती है, ये रिबिन विबिन एक बहाना होता है। इज्जतदार औरतें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती हैं। तुम भी तो हो, बेटियां भी तो हैं हमारी, घर में आराम से सुकून से रहती हैं, गली मोहल्ले नापती नहीं फिरती। खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने आज। खाना आज आपकी बेटी मुश्क ने बनाया है। माशाल्लाह, जिस घर में भी जाएगी तारीफें ही समेटेगी। वो इफ्तिखार साहब, मुश्क आगे पढ़ना चाहती है। आगे पढ़ने की ख्वाहिश में क्या मतलब है इसका? पढ़ तो लिया जितना पढ़ना था, अब क्या हवाई जहाज उड़ाएगी क्या? वो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स करना चाहती है। अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर दीजिए जल्दी से, हमने कोई मास्टरी नहीं करानी अपनी बच्चियों से। बिरयानी दो। कैसे मैं देखती नहीं उस तरह की मूवीज। अरे एथन कम इन। ओके बेंजी कम इन। बेंजी अब पूरा खाऊंगी। एनीबॉडी हेलो। सुबह किधर हो तुम? माँ वो मैं बोर हो रही थी ना तो नोमी की तरफ आ गई, हम लोग मूवी देख रहे हैं। अच्छा घर आओ ना प्लीज। माँ मैं आती हूँ, बस मूवी ख़त्म ही होने वाली है। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, खाना हम साथ खाएंगे। ओके लव यू मॉम। लव यू टू। मामा ऐसा क्यों है कि जब हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। सहबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? आई मीन वी आर फ्रेंड्स, अब साथ में वक्त गुजारेंगे तो अच्छा तो लगेगा ना। मूवी देखो, सीन अच्छा। डॉक्टर साहब, मैंने भी रिपोर्ट्स देखी हैं तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं लग रहे, आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक समझे इस्माइल साहब। द थिंग इज कि जो आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैं सिलसिले में अभी कुछ हतमी बात नहीं कह सकता हूँ। हमें कुछ टेस्ट कराने होंगे, कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी होंगी। किस तरह के टेस्ट? मैं तो सारे टेस्ट करवा चुका हूँ मैं। स्माइल साहब, आपकी वाइफ की बीमारी एक सीरियस फेज में दाखिल हो चुकी है। कम से कम रिपोर्ट्स और सिम्टम्स खतरे की खबर दे रही है। सीरियस फेज? डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, जरा खुल के बयान करें प्लीज। मुझे शक है कि कहीं इनको आंतों का कैंसर ना हो। कैंसर?